पूर्व मंत्री एवं नैना देवी विधानसभा के विधायक रामलाल ठाकुर ने बुधवार को स्वर्गघाट में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि कोलकाता में गति कंपनी में विलासपुर के श्री नैना देवी व नालागढ़ हल्के एवं झंडूता क्षेत्र के सैकड़ों बेरोजगार युवक रोजी रोटी की तलाश में पश्चिम बंगाल के कोलकाता व गुवाहाटी में गए हुए थे, जो कोरोना महामारी के चक्रव्यूह में उसी जगह पर फंस कर रह चुके हैं। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बताया कि 135 मजदूर जो हिमाचल के रहने वाले हैं बाहर फंसे हैं। उक्त सैकड़ों मजदूरों द्वारा अपने वीडियो बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उनके पास खर्चा पानी भी खत्म हो चुका है, जिस कारण हिमाचल अपने घर आने के लिए मुसीबत खड़ी हो चुकी है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि बाहरी राज्यों में फंसे इन सैकड़ों मजदूरों को भी हिमाचल से स्पेशल बसें भेजकर लाने का प्रबंध किया जाए। वहीं रामलाल ठाकुर ने भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा द्वारा नमो मोर्चा श्री नैना देवी जी और आईटी सेल श्री नैना देवी जी बीजेपी आईटी और बीजेपी हिमाचल प्रदेश नामक फेसबुक पेज से एक एडिट वीडियो डाला गया, जिसके माध्यम से प्रचार करने का प्रयत्न हुआ कि नैना देवी जी के विधायक रामलाल ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के विरुद्ध कुछ टिप्पणी की है। इस तथाकथित वीडियो में तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयत्न किया गया तथा विधायक रामलाल ठाकुर की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इसी उल्पस में ब्लॉक कांग्रेस नैना देवी जी के प्रधान अमरजीत सिंह बंगा ने पुलिस थाना स्वर्गघाट में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। स्वर्गघाट से दीनानाथ ठाकुर की रिपोर्ट। था क्योंकि मुझे टेलीफोन के ऊपर भी और वहाँ से एक लिस्ट आई थी कि कोलकाता में हमारे यहाँ से नालागढ़ और बिलासपुर के कुछ लोग हैं जो वहाँ पे कंपनियों में काम करते हैं। मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी के ध्यान में ये चीज़ लाई थी कि जो वहाँ पे मजदूर गए हैं कंपनी में काम करने के लिए, ये कोई गति कैरियर कंपनी है, इसमें जो है वो मैंने कहा था कि 75 मजदूर वहाँ पे हैं, लेकिन आज मेरे को दोबारा से जो सूचना मिली है कि उसमें 80 मजदूर जो है वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। और दूसरी जो है वो एक इंग्लैंड रोड कैरियर है, इसमें 30 मजदूर जो है इसमें काम कर रहे हैं। और एक ईस्टर्न रोड कैरियर है, इसमें 25 मजदूर जो है हमारे इस एरिए के बिलासपुर के और नालागढ़ के, ज़्यादातर नालागढ़ और मेरे हलके के ज़्यादा है। भेड़ूई जो चुनौता चुनाव क्षेत्र है उसमें भी कुछ लोग उस वहाँ के भी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से फिर निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ की सरकार से जो है वो बात की जाए, ताकि उनको और नहीं तो दुकानों से खाने का सामान नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है। कंपनी जो है वो कंपनियों ने उनको किनारे कर दिया, वहाँ से आ रहे हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि कृपया करके इस ओर जो है वो तुरंत कोई ना कोई एक्शन करें हिमाचल प्रदेश की सरकार, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं, नालागढ़ के हैं, बिलासपुर के हैं, तो मैं कहूँगा हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, इसलिए इनकी तरफ जो है वो इनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कृपया करके उसमें जो है वो तुरंत कोई ना कोई एक्शन ले, ताकि इन बच्चों को जो नौजवान साथी बाहर गए हैं उनको जो है वो आज की इस मुसीबत की घड़ी में जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो खड़ी हो। डिपार्टमेंट है वो आजकल मुख्यमंत्री के पास है, पहले जो था वो हेल्थ मिनिस्टर और थे, वो माननीय स्पीकर बन गए हैं और डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। मैं ये कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि आज मैं आया हूँ अपने चुनाव क्षेत्र में, मुझे बहुत सारे लोग मिले, हेल्थ डिपार्टमेंट के भी मिले, पुलिस के लोग भी मिले। जब तक पुलिस के, चाहे वो होमगार्ड के हो, पुलिस के हो, जब तक उनको वेल इक्विप्ड नहीं किया जाएगा, उनका भी तो बचाव होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे होमगार्ड और पुलिस के जो जवान है वो इस बीमारी के में फंस गया। और अभी 2-3 दिनों से जो बाहर से लोगों को का आना शुरू हुआ है, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, वहाँ पर जो है वो कोई उपकरण ऐसा नहीं है जिससे जो है ना तुरंत देखा जाए। और जो ड्यूटियाँ लगी है गर्म आवड़ा में, तो 2 आयुर्वेदा के फार्मेसिस्ट हैं, वो उनकी ड्यूटी लगी है। लिस्ट बनाते हैं वो, और लिस्ट बना के फादर्स नेम लिख के रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच प्लेस और वो तहसीलदार के दफ्तर में जो है ना वो जो लिस्टें हैं वो बन रही हैं। यहाँ से वापस बिलासपुर जाना, उनके यहाँ पर या तो ठहरने का इंतज़ाम हो, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। और जो इस प्रकार के आदेश हैं, मैं कहना चाहूँगा कि उसमें
सरकार ये देखे, डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर ये देखे कि जिनकी ड्यूटियां लगे हैं उन ड्यूटियों को के लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनको कहीं पे ठहरने की जगह तो हो, उनके लिए कहीं पे चाय पानी का इंतज़ाम भी तो हो, उनके लिए कोई भोजन का इंतज़ाम भी हो। तो मैं तो यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे मंदिर है स्वार घाट में, जिस मंदिर से जो हमारा यहाँ पे संतोषी माता का जो मंदिर है, ये सारे का सारा जो खर्चा है संतोषी माता मंदिर की कमेटी कर रही है। खाना वहाँ पे बन रहा है, 200-250 आदमी जो है वो खाना खा रहे हैं, पुलिस के जो जवान ड्यूटी पे हैं उनको खाना जो है ना वहीं से मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग के अगर कोई कर्मचारी हैं उनको खाना मिल रहा है, अगर यहाँ पे कुछ जो रखा है सेंटर में जिनको जो यहाँ पे क्वार्टाइज खोल रखे हैं तो उनके लिए जो खाना है वो भी मंदिर से जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और पुलिस के जो जवान हैं उनके लिए भी अगर ड्यूटी देना इस प्रकार की परिस्थितियों में और इस प्रकार की हालत में अगर वो ड्यूटी देंगे तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये बीमारी जो है वो कहीं उन कर्मचारियों में जो है वो घर ना कर दे। मैंने पूछा, मैं नाम नहीं लूँगा ना मैं बताऊँगा कौन से डिपार्टमेंट, बोलते जी हमारे को तो यहाँ तक कि जो हमारे को मास्क है वो तक नहीं दिए, जब मास्क नहीं होंगे तो फिर मुझे बताओ कि क्या होगा। और पहले चरण में जब मैंने जो है वो गाउन बांटे थे तो उसमें जो है वो उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने 90 लाख रुपए जो है वो उसके लिए सैंक्शन किया, लेकिन उनको मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो मास्क जो वहाँ पे जो गाउन बनाए गए वो किस कंपनी से को ऑर्डर दिया गया, एक बिलासपुर की कंपनी है क्या वो अथोराइज्ड है कि वो इस प्रकार की मेडिकेटेड जो चीज़ बनानी है गाउन अगर बनाएंगे तो वो स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए जो है वो क्या वो अप्रूव्ड है। और साथ में मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मारकंडा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरे जो 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 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, मुख्यमंत्री जी ने 50 बेड का हॉस्पिटल जो है वो उसको अपग्रेड किया है, वहाँ पे जो गाउन भेजे गए वो रेनकोट आगे कंपनी कौन है ना ऊना की है जिसको दे रखा है। इस करके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है मुख्यमंत्री को, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ लेकिन नीचे जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यही पता नहीं है कि 90 लाख की अगर परचेज करनी है तो वो कैसे होगी, उसकी क्या उसके लिए कोई कमेटी बनी है, क्या वो स्टेट लेवल पे जो है कमेटी बनी है जिन्होंने पर जो है वो ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हम इनको बोलें तो आपका एक प्रवक्ता है हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, वो जगह जगह जाके उल्टी सीधे आज भी वो रिजिक मैदान पे घूम के आज बयान दे रहा था कि जी कांग्रेस के लोगों को संयम बरतना चाहिए, संकट पड़ा है संकट की घड़ी में सबको इकट्ठा होना चाहिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या लूटपाट करने की इजाज़त भी मिलनी चाहिए, क्या लूटपाट करके जो है वो क्या ये बीमारी भाग जाएगी, ये गो कोरोना ये क्या उससे जो है वो क्या ये कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो ये भी देखें कि इस प्रकार की जो बयानबाजी है वो बेतुकी बयानबाजी आपके लोग न करें। मैं एक उदाहरण देना उनके माध्यम से मेरी जो स्टेटमेंट थी उसको कट एंड पेस्ट किया और सारा उन्हीं के जो है इशारे पे हुआ और शिमला में जाके नमो मोर्चा की और जो नैना देवी की जो बीजेपी का आईटी सेल है उन्होंने अपने उस पर ये डाल दिया कि जी रामलाल ठाकुर ने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ बोला। अरे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ नहीं बोला लेकिन जो प्रेस वालों ने मेरे से पूछा मैंने उसका उत्तर देते हुए कहा कि भाई जब पंजाब में जो है वो उनकी छानबीन हो सकती है तो हिमाचल में क्यों नहीं हो सकती, और हिमाचल प्रदेश में अगर मान लो कुछ नौजवान हैं जो चिट्टे में फंस गए हुए हैं चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो एजुकेशन में हो जहाँ भी हो, अब वो भी तो हमारे बच्चे हैं उनको भी बचाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने उस संदर्भ में कहा लेकिन नैना देवी का स्टेट के मालिक हैं, मंदिर ट्रस्ट भी आपके पास हैं, आप ये देखें कि नैना देवी मंदिर से कितना राशन है जो नैना देवी को चुनिया चढ़ाई लोगों ने उसी में बांध के ट्रकों में जो छोटी गाड़ियों में डाल के आपके जो है ना यहाँ के बीजेपी के नेता बांट रहे हैं।
तो चेयरमैन साहब भी क्या कर रहे हैं, एसडीएम स्वारघाट भी क्या कर रहे हैं, तहसीलदार स्वारघाट जो पेपल ऑफिसर का चार्ज जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि टेम्पल ऑफिसर इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि वहाँ एक घटक है भारतीय जनता पार्टी का जो नैना देवी मंदिर में जो है वो लूटपाट पहले भी करता था आज भी कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि अपने प्रवक्ताओं को बता दिया करो, प्रवक्ता आप मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में कोई 6 करोड़ रुपये नहीं दिया।